दीप अरुणिता अपने नए प्रोजेक्ट के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस नए प्रोजेक्ट के लिए पवनदीप अरुणिता ऑक्टोपस स्टूडियो में पूरी पूरी रात एक साथ बिता रहे हैं। देर रात फिर ये दोनों लाइव आए और इन्होंने अपने फैंस के दिल की धड़कनें फिर से बढ़ा दी। जी हाँ, लाइव आकर पवनदीप ने गिटार बजाया तो वहीं अरुणिता ने पवनदीप के गिटार पर अपनी आवाज से एक बार फिर महफिल में चार चांद लगा दिए। दोनों ने ये भी बताया कि बहुत जल्द वो बड़े प्रोजेक्ट में एक साथ नजर आने वाले हैं। हालांकि अभी इन्होंने इसका नाम तो नहीं बताया, लेकिन जो वीडियो सामने आई है वो इनके प्रोजेक्ट का हिस्सा बताई जा रही है। जी हाँ, नए प्रोजेक्ट में दोनों कुछ अलग अंदाज में डांस मूव देते नजर आ रहे हैं। एक बार फिर पवनदीप अरुणिता रोमांटिक डांस करते नजर आए। जी हाँ, तुमसे ज्यादा मैं ना जानू, तुमसे ही मैं खुद को पहचानू गाने पर अरुणिता पवनदीप की बाहों में आकर डांस कर रही है। जहाँ अरुणिता रेड कुर्ते और ब्लैक जीन्स में हैं, तो वहीं पवनदीप भी ब्लैक जैकेट और जीन्स में बिंदास लुक में नजर आ रहे हैं। दोनों के डांस मूव देखकर फैंस एक बार फिर इस जोड़ी पर फिदा हो गए। बताया जा रहा है कि दोनों नए प्रोजेक्ट के लिए जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं और जल्दी नए लुक में धमाल मचाने वाले हैं। खबरें तो ऐसी भी, 5 सितंबर को यानी आज 4 बजे इनका एक नया वीडियो सामने आ रहा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो सबसे पहले हम अरुदीप के फैन तक उनकी ये जानकारी जरूर पहुंचाएंगे। वेल, अगर आप भी इस जोड़ी के फैन हैं तो उनकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनके लिए कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 की ट्रॉफी जीतकर पवनदीप पहले परफॉर्मेंस देने हैदराबाद पहुंचे। 3 सितंबर को हैदराबाद में पवनदीप राजन ने मंच पर आग ही लगा दी। इंडियन आइडल से निकलने के बाद पहली परफॉर्मेंस देते पवनदीप राजन बहुत खुश दिखे। उन्हें एक अलग सा ही जोश दिखा। वो इस परफॉर्मेंस में अरुणिता के साथ गए। मंच पर चढ़ने से पहले पवनदीप ने अरुणिता के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता का स्पेशल वीडियो भी सामने आया है, जिसमें गाना गाने से पहले अरुणिता पवनदीप के साथ मस्ती करती दिखाई दी। अरुणिता कैमरे के सामने अजीबोगरीब मुंह बनाती हैं और फिर वो पवनदीप से भी वैसे ही करने को बोलती हैं। दोनों कैमरे के सामने मुंह के अजब गजब एक्सप्रेशन देते हैं, जो फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं। चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि दोनों एक साथ कितने खुश हैं और आगे भी ये दोनों एक साथ रहकर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। जी हाँ, पवनदीप अरुणिता अलग अलग परफॉर्मेंस नहीं करना चाहते, बल्कि करियर में आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हैं, क्योंकि दोनों की एक दूसरे से खूब पटती है। दोनों की सोच एक दूसरे से खूब मेल भी खाती है। पवनदीप को कोई और इतना समझ ही नहीं सकता जितना अरुणिता समझती है, और कहीं ना कहीं अरुणिता का भी यही हाल है। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हैं। हालांकि आगे तो इनके रिश्ते का पता नहीं, लेकिन करियर में दोनों एक दूसरे का साथ पाकर इन्हें हिम्मत मिली है। बेशक 10-11 महीने एक साथ रहने के बाद ये दोनों एक दूसरे को खूब समझने लगे हैं। बाकी तो दोनों बता ही चुके हैं कि इनका रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही है, हमेशा दोस्ती का ही रहेगा। फिलहाल तो दोनों इस वक्त अपने करियर पर पूरा फोकस दे रहे हैं। हम और आप भी इनके लिए दुआ करते हैं कि ये काफी ऊंचाइयों तक जाएं। इंडियन आइडल 12 भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन फैंस अरुणिता कांची लाल और पवनदीप राजन की जोड़ी को आज भी मिस कर रहे हैं। इंडियन आइडल को भले ही पवनदीप ने जीत लिया हो, लेकिन अरुणिता ने भी अपनी प्यारी आवाज से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। इन दोनों को एक साथ स्क्रीन पर देखने के लिए फैंस बेताब रहते थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर लोग खूब प्यार बरसा रहे हैं। अरुणिता कांचीलाल के फैन पेज पर इस वीडियो को शेयर किया गया है। इस वीडियो में उनके साथ पवनदीप भी नजर आ रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अरुणिता बड़े ही खूबसूरती से फिल्म हम दिल दे चुके सनम का टाइटल ट्रैक गा रही हैं और पवनदीप उस पर गिटार बजा रहे हैं। दोनों का ये ड्यूट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। वीडियो में अरुणिता को परफेक्ट सुर लगाते हुए देखा जा रहा है। इस पर लोग लव यू अरुणिता, सुपर वॉइस अरुणिता जैसे कॉमेंट भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, इंडियन आइडल के पूरे सीजन के दौरान दर्शकों ने अरुणिता पवनदीप पर जमकर प्यार लुटाया था। रियलिटी शो खत्म होने के बाद भी इनकी जोड़ी पॉपुलर रही। शो में दोनों का रोमांटिक एंगल भी देखने को मिला। शो खत्म होने के बाद भी दोनों कई जगह एक साथ देखे जा चुके हैं। सोशल मीडिया पर इन दिनों अरुदीप बहुत ज्यादा ट्रेंड हो रहा है। पवनदीप अरुणिता का रोमांस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर ये जोड़ी मुंबई में किसी खूबसूरत जगह पर रोमांस करती दिखाई दी। जी हाँ, पवन अरुणिता अपने नए गाने के लिए इस वीडियो में रोमांस करते नजर आए।
इस वीडियो में पवन और अनीता का हाथ पकड़कर रोमांटिक डांस भी करते हैं और गजब का है दिन गाना गाते हैं। मुंबई की जिस जगह पर दोनों ने ये वीडियो शूट करवाया है वो वाकई में बहुत खूबसूरत नजर आ रही है। स्विमिंग पूल के किनारे खड़े पवन और अनीता रोमांटिक फोटो शूट भी करवा रहे हैं। अब तक इस वीडियो को लाखों व्यूज और कमेंट मिल चुके हैं। खबरें तो ऐसी हैं कि पवन आरु ये गाना जुबिन नौटियाल के लिए गा रहे हैं और दोनों अभी नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत बिजी हैं। दोनों के पास कई सारे गाने हैं जिन्हें शूट करना है। हालांकि ये दोनों तो अपने काम के लिए एक साथ नजर आ रहे हैं क्योंकि फैंस को ये जोड़ी बहुत पसंद आई है। ऐसे में दोनों कई गाने एक साथ गाते नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ फैंस को इनका ये ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कई वीडियो में उनके एक्सप्रेशन ऐसे थे कि मानो ये ड्रामा उनसे जबरन करवाया जा रहा है। इंडियन आइडल के एक एपिसोड में भी रीना राय जब मेहमान बनकर आई थी, शो के प्रोमो सामने आया था जिसमें अरुणिता पवनदीप को खीर खिलाती है। तभी पवनदीप से होस्ट आदित्य नारायण पूछते हैं कि क्या उन्हें पसंद है। जवाब में पवनदीप खीर बोलते हैं। इसके बाद सेट पर खीर आती है। रीना रॉय फरमाइश करती है कि पवनदीप को ये खीर अरुणिता खिलाएंगी। सिंगर स्टेज पर आती है और फिर रीना रॉय अरुणिता को एक लव डायलॉग बोलने को कहती है। ऐसा कहते हुए अरुणिता भी शर्मा जाती है। आदित्य नारायण दोनों को अरुदीप कहते बुलाते हैं और इंटरनेट पर अरुदीप का हैशटैग भी चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये फेक ड्रामेबाजी खास पसंद नहीं की जा रही है। एक यूजर ने लिखा ये क्या बकवास है, दो कंटेस्टेंट को ऐसे शर्मिंदा किया जा रहा है, हमें पवनदीप की परफॉर्मेंस का प्रोमो चाहिए, ये सब नहीं। दूसरे यूजर ने कहा कि भगवान के लिए शर्म करें, ये सब बंद करें। वैसे ये पहली बार नहीं है जब मेकर्स को ट्रोल किया गया और कहा तो ये भी जा रहा है कि शो ने इसीलिए पवनदीप को विनर और फर्स्ट रनर अप अरुणिता को बनाया, वरना सायली कामले भी विनर बनने के योग्य थी। वैसे आपको क्या लगता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप राजन और रनर अप रही अरुणिता कांचीलाल इन दिनों सुर्खियों में हैं। कहा जा रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हालांकि इस बारे में उन्होंने खुलकर बात नहीं की है। बीते दिन पवनदीप ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अरुणिता के साथ डांस मूव करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि पवनदीप और अरुणिता डांस मूव कर रहे हैं, वहीं उनके फैंस भी पोस्ट पर रिएक्शन दे रहे हैं। फैंस को दोनों की केमिस्ट्री बेहद पसंद आ रही है। वहीं बैकग्राउंड में फिल्म शेरशाह का गाना राता लंबिया बज रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं। इस वीडियो पर कई फैंस ने अपनी राय भी दी है। एक यूजर ने लिखा आप दोनों बेहद प्यारे लग रहे हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा आप सिंगर होने के साथ साथ अच्छे डांसर भी हैं। एक यूजर ने लिखा कि दोनों की जोड़ी को टीवी पर फिर से देखना चाहते हैं। बता दें इंडियन आइडल 12 के मेकर्स द्वारा पवनदीप और अरुणिता के बीच एक रोमांटिक एंगल को दिखाने की कोशिश की गई है। इस शो के होस्ट आदित्य नारायण ने दोनों के रोमांटिक एंगल को दिखाने को लेकर कहा था हम मस्ती करते हैं, लोग कहते हैं कि हम रियलिटी शो में मेकअप अफेयर्स बनाते हैं, ये सब झूठ है। फिलहाल तो इस वक्त आपको पवनदीप और अरुणिता का ये डांस वाला वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।